हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। 6 जिलों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सीएम ममता बनर्जी कल बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा भी कर सकते हैं। सबसे मुश्किल हालात हावड़ा में है, जहां घर पानी में डूबे हैं, सड़क पर नाव चल रही है, लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। आज हमारे संवाददाता पवन नारा ने जान जोखिम में डालकर हावड़ा में बाढ़ की कवरेज की। इस वक्त हम हावड़ा जिले में हैं। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में फिलहाल बाढ़ का कहर है और ये बाढ़ आई है झारखंड के दामोदर वैली डैम प्रोजेक्ट से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से। इस वक्त इस गांव की स्थिति आप देख लीजिए, गांव पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। एक मंजिल के घर डूब गए हैं। ताड़ का पेड़ लगभग 30 से 40 फीट ऊंचा होता है, अभी 10 से 15 फीट ऊपर दिखाई दे रहा, तो आप समझ सकते हो कि जहां हम मौजूद हैं वहां कम से कम 20 फीट पानी है। इधर आप देखेंगे तो पूरी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पानी में डूब गई है। ये सड़क पर ऊंचा इलाका है जहां इलेक्ट्रिक पोल्स लगे थे, वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कैमरामैन वहां पेड़ों की तरफ दिखाएंगे तो वहां गांव पूरी तरीके से डूब चुका है और ये डूब 3 दिन पहले शुरू हुई, जब शुक्रवार को कलकत्ता आसपास के इलाकों में जबरदस्त पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही थी और डैम का पानी छोड़ा गया। फिलहाल राहत की बात यह है कि बारिश रुकी हुई है और इसीलिए राहत और बचाव के कार्य भी आसानी से हो पा रहे हैं। अब यहाँ इस नाव का हाल दिखा देते हैं। तिरपाल दिए गए हैं, चावल दिया गया है। कितने गाँव में फिलहाल आसपास के इलाके में पानी है? हमारा जो उदयपुर विधानसभा है, सिंटी ग्राम पंचायत है, सिंटी ग्राम पंचायत में जो भी गांव है सब डूब गया है। सब डूब गया है, तो क्या वक्त मिला जाने के लिए या तुरंत पानी आ गया, वक्त मिला, अनाउंसमेंट हो पाई? नहीं, वक्त मिला हमारा इधर ब्लॉक प्रशासन से और हमारा ग्राम पंचायत प्रशासन से। हम नाइट कैंपिंग कर किया, जो लोग घर छोड़ के गए, लोग कुछ लोग घर के छोड़ गए, सब नहीं जाएगा। कोई छत में है, जिसका घर में छत है तो छत का ऊपर है। हमारा तो पंचायत में 10-12 रेस्क्यू सेंटर हम खुल दिया है। 12 रेस्क्यू सेंटर में कितने लोग होंगे? प्राय 1600-1700 लोग है। 1600-1700 लोग हैं। 12 गांव के जो पंचायत के छोटे छोटे गांव हैं, एक पंचायत में 12 गांव पड़ते हैं, 12 सेंटर खोले गए हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट लगातार की गई थी, लेकिन जिन लोगों के पास 2 मंजिले घर हैं वो अपना घर छोड़ के नहीं गए हैं, छतों पे शिफ्ट हो गए हैं। बाकी जिनके इस तरह के मकान हैं जो 1 मंजिल के हैं वो घर छोड़ के चले गए हैं। और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इसी तरह से पानी नजर आएगा। ये यहाँ की स्थिति है। फिलहाल राहत की बात यह है कि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है। हम आपको गांव के अंदर भी ले चलेंगे और देखेंगे कि लोग किस हालात में रह रहे हैं और किस तरह से मदद की दरकार है। हाथ देंगे? हाथ पकड़ लो एक बार। क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। तो हम खुर्शीद के घर में पहुंचे हैं, गद्दे से लेकर बिस्तर तक और जरूरी सामान इन्होंने छत पे पहुंचा दिया है। कितने दिन हो गए आपको छत पे आए? क्या कोई राशन पानी कोई मदद पहुंची? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पर उसमें पानी में। अच्छा, तो घर का सामान सारा पानी में है? सब है। अच्छा, नहीं मिल पाया ना कि छुपाना। अच्छा, तो जब ये पानी आया तो वक्त मिला था आपको छत पे चढ़ने का या बहुत तेजी से पानी आया? पानी तेजी से आया, जो सामान था थोड़ा बहुत उठाया, थोड़ा नीचे में है। नीचे में है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा बहुत उठा। शेख अब्दुल के घर इस वक्त हम आए हैं। मेरा कैमरामैन नाव पे सवार है, जहां नाव है वहां 20 फीट पानी है। ये घर ऊंचे पे है तब भी इतना पानी आ गया है। घर की स्थिति देखेंगे कि पहली मंजिल पूरी डूब गई है और इनके घर में अभी कोई सामान नहीं है, जरूरी सामान ही छत पर ले जा पाए हैं। घर में बच्चा भी है, तो बच्चे की उम्र कितनी है?
7 महीने 7 वो चले तो फिर दूध वगैरह कहाँ से आता है, कैसे काम चला रहे हैं, दुकान पे कैसे जा पाते हैं? डूब डूब के इधर से जाता है। तो वक्त मिला आपको संभलने का, अचानक पानी आ गया? अचानक आ गया, थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ा बहुत रह गया। अब हम घर के अंदर आ गए। घर की स्थिति ये है कि चप्पलें जो है वो खिड़की पे टंगी हुई है, इधर देखेंगे तो बाइक है वो पानी में डूबी हुई है। उठाने की कोशिश की थी, इसके बावजूद ऊपर थोड़ा बहुत सामान रखा होगा, पंखे हैं, और आगे जाएंगे तो पूरा घर इसी तरीके से यहाँ भरा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पानी है और जब हम अंदर आ रहे हैं तो खतरे का एहसास हो रहा है। ऊपर बिजली भी चल रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी काटी नहीं गई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अब भी है, तो यहाँ करंट का खतरा भी है। कैमरामैन 2 कदम आगे आए तो देखिए घर कैसे सीढ़ियों में सिमट जाता है जब बारिश आती है। ये चूल्हा है जो गीला हो गया है, इसके अलावा फ्रिज है वो सीढ़ियों पर रख दिया गया है, और ये सारा सामान छत पर पहुंच गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो सीढ़ी है ये नीचे बेसमेंट में जाने के लिए है, लेकिन बेसमेंट पूरी भर चुकी है, उसकी स्थिति ये है। आगे अगर आप जाएंगे तो एक के बाद एक कमरे में यही स्थिति नजर आएगी। कहने के लिए अगर कैमरामैन आगे आ पाए तो ये इनका किचन हुआ करता था, लेकिन अब किचन छत पर शिफ्ट हो चुका है जिसमें सिलेंडर और चूल्हा है। किचन की जो टैप है, टोटी है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि किचन है। ऊपर रखे बर्तन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किचन है, वरना बाकी सब यहाँ जलमग्न है। अगर मेरे कैमरामैन आ पाए, हम सीढ़ियों से ऊपर जाकर इनकी घर की स्थिति दिखाते हैं किस तरीके से एक भरा हुआ घर जब पानी आता है तो बर्बाद हो जाता है। अब आप जाइए तो सीढ़ियों में आपको इनका पूरा घर सिमटा हुआ नजर आएगा। तो यहाँ कमर तक पानी जिसको कहते हैं वो घर के अंदर है, पहली मंजिल पर बेसमेंट से ऊपर। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ फ्रिज है, राशन है, कुछ कपड़े कागजात हैं, और यहाँ एक संदूक रखा है। तो घर की स्थिति देख लीजिए, घर छत पर शिफ्ट हो चुका है। 4 बर्तन, चूल्हा, गैस यहाँ मौजूद है, छोटे छोटे तिरपाल हैं जिसमें घर का जरूरी सामान यहाँ रखा गया है। और ये सिर्फ एक घर की हालत नहीं है, आप जिस घर में देखेंगे गांव में पूरे घर में यही स्थिति है। जिनका एक मंजिल का घर है वो छोड़कर इस तरह से छत पर शिफ्ट हो गए हैं, जिनका कच्चा घर है वो छोड़कर यहाँ से राहत सेंटर में निकल चुके हैं। सामने देखिए घर था, नया बनना शुरू हुआ था, आधी से ज्यादा मंजिल डूब चुकी है। उधर अगर आप देखेंगे तो उनका घर भी तिरपाल के साथ छत पर सिमट के रह गया है, वो भी दूर से ताक रहे हैं। ये घर भी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, हरे रंग का घर है, इन्होंने भी यहाँ ऊपर शिफ्ट हो गए हैं दूसरी मंजिल पर। यानी पहली मंजिल का घर जिसके पास है वो रहने लायक नहीं है। 7 महीने का बच्चा है, उसे दूसरे घर की ऊंची वाली छत पे शिफ्ट किया है इन्होंने। कोई राहत, कोई मदद मिली अभी तक आपको? एक तिरपाल भी नहीं दिया, पानी में भीग रहा। अच्छा, पानी में भीग रहे हैं, तिरपाल भी नहीं मिला? ना, किचू मिला नहीं, सबको दिया मुझे नहीं दिया। अच्छा, आपको नहीं मिल पाया? तो क्या हुआ, आपने मांगा था? हाँ, गया था, बोला था आज देगा, क्या करेगा मालूम नहीं। तो कितने दिन हो गए बाढ़ का पानी आए? शनिवार रात आई थी। कब आया था पानी? बोला शनिवार का रात, रविवार 3 बजे। अच्छा, रविवार को आया था। ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ के हजारों घरों की स्थिति लगभग ऐसी ही है। अब हमें यहीं से होकर जाना है, और चिंता की बात यह है कि ना सिर्फ हम बल्कि ये परिवार भी उस घर में रह रहा है जहाँ पानी होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है। तो ये बात हमें घर के अंदर आने के बाद पता चली तो खतरा ज्यादा है। देखिए, बच्चे के लिए दवाइयां भी हैं, और ऐसी स्थिति में बच्चा हो उसके लिए साफ पानी पिलाना वो चुनौती होती है। ये ग्राइप वाटर आप देख सकते हैं वो रखा हुआ है, और ये दवाइयां यहाँ सिमटी हुई हैं। ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। बाढ़ के घर में घुसना आसान होता है, निकलना मुश्किल। तो इस तरह से आप यहाँ निकल चुके हैं, और सबसे यहाँ से निकलने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मीटर लगा है और मीटर में बिजली अभी भी है। तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ाना बात है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अभी तक नहीं काटी गई है, और इसका शिकार ना सिर्फ हम बल्कि यहाँ रहने वाले भी हो सकते हैं। तो ज़रूर जब हम यहाँ से निकलेंगे तो प्रशासन की नज़र में लाएंगे कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ की काट दी जाए, क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए जितनी बिजली की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बिजली नहीं होनी चाहिए ऐसे इलाकों में, क्योंकि वो जान पर भारी पड़ सकती है।
सुरभी शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।